हाथ में चाकू लेकर रील बनाती इस महिला को देखिए, जिसके सिर पर रील बनाने और वायरल होने का ऐसा खुमार चढ़ा कि मैडम पहुंच गई पुलिस चौकी और पुलिस चौकी जाकर बना डाली रील, वो भी चाकू को लहराते हुए। न इन्हें कानून का खौफ है, न पुलिस का डर, बस एक चीज है जो चाहिए और वो है लाइक्स। वैसे आज के दौर में ये बहुत आम हो गया है, कोई भी ऐसी रील बनाता है और खुद को वायरल करने के लिए सोशल मीडिया पर इस तरह का वीडियो अपलोड कर देता है। वैसे अगर बात करें इन मैडम की, तो पहले इनका ये वीडियो देखिए जिसमें ये खुद को झांसी की रानी बता रही हैं और बाकायदा वीडियो में लिखा भी है झांसी की रानी। सभी दोस्तों से, सभी बहनों से, सभी भाइयों से ये कहना चाहती हूँ, अगर आपके साथ कोई अन्याय करता जाए एक बार, दो बार, तीन बार तो छोड़ दीजिए, और चौथी बार या तो जान दे दीजिए या तो जान ले लीजिए। मेरा नाम हिमांशी यादव है, पर मैं अपना नाम अब मानसी यादव के नाम से नहीं डालूंगी, बिल्कुल झांसे की रानी का नाम डालूंगी। क्योंकि जो इंसान शांत रह के सुनता है उसके पीछे लाखों दुश्मन पड़ जाते हैं, क्योंकि सच्चाई की जो इंसान बात बोलता ना उसके लिए बहुत सारे दुश्मन खड़े हो जाते हैं। मुझे मरने से डर नहीं लगता है, या तो आज अब आरोपी मुझे मार देंगे या तो आरोपियों का जान मैं ले लूंगी। और पुलिस प्रशासन आती है क्या करती है भाई, आती है अपना रोल निभा के चली जाती है। हमारे मोहल्ले के अंदर तीन तीन कांड इतने जल्दी जल्दी हो गए हैं, दो ही तीन दिन में एक आशीष लड़का, उसकी गाड़ी जला दी गई, फिर उसके भाई को कल दौड़ा लिया गया, मेरी जान पे हमला हुआ है। मैं इतनी बलवान थी, मैं एक घंटा खड़ी रही और मौके पे मैंने पुलिस बुलाया, पुलिस भी आई, जीप में चार पांच इंस्पेक्टर आए, 112 आए, मुझे पुलिस से कोई शिकायत नहीं है, पुलिस ने मेरा काम अच्छा किया है। पर अब पारा के अंदर या तो पुलिस प्रशासन शासन दोनों करेगी और या तो आज मानसी यादव को अंदर करेगी। हम भी शपथ लेते हैं कि आरोपियों को जीने नहीं देंगे, क्योंकि मैं न्याय की लड़ाई लड़ती हूँ। या तो आरोपी मुझे मार दे और या तो आरोपियों को मैं मार दूंगी। आओ बदमाशी करो, आएंगे नखारे में, आओ रात का भी अखारे में खड़े रहन, दूर से हमको उल्टा सीधा बोल दो, सामने आके बोल के दिखाओ, नहीं बोल सकते हो ना, मर्दों की पहचान है, सिर्फ फेक आईडी बना के अपनी अम्मा बस। सुना आपने क्या कहा चाकू वाली इन मैडम ने, अब इनके बारे में आपको बताते हैं। असल में रील बनाने और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करके लाइक्स और व्यूज बटोरने का खुमार लोगों में इस कदर चढ़ चुका है कि लोग कहीं भी और कभी भी कैमरा और म्यूजिक ऑन करके वीडियो बनाने लगते हैं। इस तरह का एक वीडियो लखनऊ से सामने आया जिसमें एक महिला पुलिस चौकी के अंदर रील बनाती हुई नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो लखनऊ का है। इसमें एक महिला पुलिस चौकी के अंदर चाकू लेकर वीडियो बनाती हुई नजर आई। महिला चाकू लेकर पुलिस चौकी के अंदर से बाहर निकलते हुए वीडियो रील बना रही है। यही नहीं, महिला का मोहल्ले के अंदर भी चाकू लेकर वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में नजर आ रही महिला का नाम है हिमांशी यादव, जो लखनऊ के थाना पारा हंसखेड़ा चौकी की रहने वाली है। ये वीडियो हिमांशी यादव की प्रोफाइल से ही अपलोड किया गया है। रील के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस ने हिमांशी यादव के खिलाफ एक्शन लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी स्कूटी को भी सीज कर दिया गया है। वहीं अब हिमांशी यादव का धमकी भरा वीडियो भी सामने आया। लेकिन यहाँ एक बात और है जो सोचने पर मजबूर करती है कि जब ये महिला इस तरह चाकू लहराते हुए वीडियो बना रही थी तो पुलिस चौकी में पुलिस वाले कहाँ थे। ये सवाल अपने आप में दिल में फिक्र पैदा करता है। इस पूरी चीज के ऊपर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आखिर में चाकू वाली इन मैडम का चाकू को लहराते हुए ये वीडियो भी देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।